और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। डीडीसी चुनाव के रुझानों में बीजेपी और गुपकार अलायंस के बीच जबरदस्त टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी 40 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं गुपकार अलायंस भी 40 सीटों पर ही आगे है। कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं वो 14 सीटों पर आगे चल रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो 30 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो बड़ी बात जो अभी तक नजर आ रही है वो ये कि बीजेपी और गुपकार अलायंस यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टियों ने मिलकर गुपकार अलायंस बनाया वो कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी और गुपकार अलायंस के कैंडिडेट्स इस वक्त 40-40 सीटों पर आगे चल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट 14 सीटों पर आगे हैं। यानी रुझानों में बीजेपी और गुपकार अलायंस इस वक्त बराबरी के पायदान पर नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।